हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 24 के बारे में। उस चैप्टर का नाम आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में जो देखो, ह्यूमन में हमने पहले दो सिस्टम हम बात कर चुके हैं। हम एक तो रिस्पायरेटरी सिस्टम, दूसरा एक्सेलेटरी सिस्टम। दो सिस्टम के बारे में हम बात कर चुके हैं और तीसरा सिस्टम आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी का सर्कुलेटरी सिस्टम। शुरुआत में भी हमने बात की थी कि ह्यूमन बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो बहुत सारे सिस्टम से मिलकर के होता है। अबाउट 11 या 12 जो सिस्टम है वो इसमें भाग लेते हैं ह्यूमन बॉडी के फॉर्मेशन में। तो हम तीसरा सिस्टम के बारे में बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल्स किंगडम के बारे में। तो एनिमल्स किंगडम में हमें दो प्रकार के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। किसके बेसिस पर? नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर। तो नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर दो प्रकार के एनिमल्स कौन से होंगे? एक तो होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा जो हो गया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। शुरुआत में मैंने आपको यह भी बताई थी बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो फूड फीडिंग मैकेनिज्म, रिस्पायरेशन और तीसरी रिक्वायरमेंट आती है रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे फूड फीडिंग मैकेनिज्म एंड रिस्पायरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए एक होता सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बिना रिस्पायरेशन एंड जो एक्सक्रिएशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन काम, जो मेन जो वर्क होगा या फंक्शन होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट करने का। अब ये ट्रांसपोर्ट किसका करेगा? एक्सेलेटरी प्रोडक्ट का करेगा। एक्सेलेटरी प्रोडक्ट में CO2 हो गई एंड न्यूट्रिएंट मटेरियल का करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कंपेरिजन करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स में। तो यदि आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करें या एनिमल्स की जब हम बात करते हैं, सेल्स की संख्या इसमें क्या होती है? सिंगल होती है। यूनिसेलुलर में सेल्स की संख्या क्या होती है? सिंगल होती है। और सिंगल सेल है वो डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहती है किसके? इन्वायरमेंट की। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्वायरमेंट। तो ये सिंगल सेल या यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं उसमें जो सेल्स है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से क्या कर रही है? फूड मटेरियल को इंटेक कर रही है और साथ में जो CO2 जो इसकी बॉडी में या सेल्स में जो CO2 ऑक्सीडेटरी प्रोडक्ट बन रही है वो डायरेक्टली बॉडी सरफेस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देती है। और साथ में यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली बाइलेड होते हैं। इसी प्रकार जब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, दो या दो से मोर देन होती है, ज्यादा होती है। तो उनकी जो सेल्स है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं होती है किसके? एनवायरमेंट की। तो नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एनवायरमेंट। तो उस कंडीशन में एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो आपको एक ही फाइलम होता है। कौन सा फाइलम? फाइलम प्रोटोजोआ की जब हम बात करते हैं तो फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन जब हम हायर एनिमल्स की जब हम बात करते हैं, कॉर्डेट एनिमल्स की जब हम बात करते हैं, तो कॉर्डेट के एनिमल्स में क्या होता है? मल्टीसेलुलर होते हैं और वेल डेवलप टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। देखो एक एनिमल्स बॉडी में जब हम बात करते हैं तो एनिमल्स बॉडी में न्यूट्रिएंट मटेरियल, देखो हमने फूड इनटेक किया है या फिर सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, आगे हम बात करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं? फूड को एक्सेप्ट करते हैं, फूड इनको इनटेक करते हैं, फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन के फलस्वरूप जो फूड का डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद में यहाँ पे दो प्रकार का फूड मटेरियल होता है, एक तो अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल, एक को हम न्यूट्रिएंट फूड मटेरियल बोल सकते हैं। तो उस न्यूट्रिएंट फूड मटेरियल को अपनी एलिमेंट्री कैनाल से प्रत्येक सेल्स तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में आगे हम इंक्लूड करेंगे ब्लड को इंक्लूड करते हैं, हार्ट को इंक्लूड करते हैं हम। तो इसकी जो मेन कंपोनेंट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के या फिर मेन ऑर्गन होते हैं वो होता है एक तो ब्लड होता है, दूसरा हार्ट होता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। या इसके माध्यम से क्या होता है? इन पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो कि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं होते एनवायरमेंट में, उसमें क्या होता है? उसमें जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसका? O2, CO2 एंड न्यूट्रिएशन का या न्यूट्रिएंट मटेरियल का। तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके माध्यम से होता है? बाई ब्लड के माध्यम से होता है।
ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स में, एनिमल्स की बॉडी में एक ऐसा सिस्टम प्रेजेंट होता है जो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। किसका ट्रांसपोर्ट? न्यूट्रिएंट मटेरियल एंड O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। वह सिस्टम क्या कहलाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट मटेरियल तो ये हो गया अपने एलिमेंट्री के बाद फूड का डाइजेशन हुआ और प्रत्येक सेल्स तक न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। उसी प्रकार प्रत्येक सेल्स में क्या हो रहा है? एक ऑक्सीडेटरी प्रोडक्ट बनती है CO2। तो CO2 को सेल से लंग्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? वो भी कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। ठीक है ना, तो ऐसा सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट करने का कार्य कर रहा है किसको? न्यूट्रिएंट मटेरियल O2 को एंड CO2 को। तो ऐसे इसके साथ साथ में और भी आते हैं, जैसे कि आयंस है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, जो बॉडी के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में जा रहे हैं, उनका ट्रांसपोर्ट भी कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम, यदि हम एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो एनिमल किंगडम में आपको दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम मुख्यतः दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा कौन सा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा फाइलम मोलस्का एंड इंसेक्ट में। जब हम फाइलम देखो, हमने फाइलम के बारे में पीछे में बात की थी। सबसे पहला फाइलम प्रोटोजोआ है, पॉलीपेरा है, सिलेंड्रेटा है, डिकाइलोड मेटा है, डेटियल मेंथीज, एस्केल मेंथीज, तो इनके बाद में फाइलम आता है मोलस्का फाइलम। तो मोलस्का फाइलम में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उनके सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा टाइप का होता है? ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप का क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फ्लूइड सर्कुलेट बिटवीन सेल टू टिश्यू विदाउट डक्ट। यहाँ पे अगर हम डक्ट की बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में। तो यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड प्रवाहित होता है या फॉलो करता है या सर्कुलेट होता है किसके बीच में? सेल एंड टिश्यू के बीच में, किसके? विदाउट डक्ट। तो यहाँ पे आपको डक्ट या आर्टरीज एंड वेन्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी प्रकार आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा हायर एनिमल्स में, हायर एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन में, रैबिट में, काउ में। तो इसमें कौन सा आपको सिस्टम देखने को मिलेगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट थ्रू क्लोज इन क्लोज डक्ट। यहाँ पे बंद नलिकाओं में जो फ्लूइड होता है, यहाँ पे फ्लूइड का क्या होता है? फ्लूइड यहाँ पे क्या है? ब्लड है। ठीक है ना, यहाँ पे ब्लड है वो क्लोज डक्ट में फॉलो होता है। ठीक है ना, तो ये होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको हायर जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि आपको रेप्टाइल्स में भी, एविज में एंड मैमल्स में, इस प्रकार के एनिमल्स में आपको ये देखने को मिलेगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट या जो मेन ऑर्गन आता है वो आता है ब्लड, मेन कंपोनेंट ब्लड। तो ब्लड के बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम बात करें ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले आपको ब्लड की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्लड, ब्लड के बारे में सबसे पहली बात यहाँ पे ब्लड कैसा होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड कैसा होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इनका ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है, यानी इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एल्कालाइन होता है। उनके बाद इसकी जो अमाउंट की अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? वो होती है 5 to 6 liter, जो ह्यूमन बॉडी के वेट पर डिपेंड करती है। उनके बाद जो इसका जो कलर होता है, ब्लड का जो कलर होता है वो होता है रेड, और ब्लड का रेड कलर किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, अगर हम ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो ब्लड के भी दो कंपोनेंट होते हैं या ब्लड के भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कॉर्पस और दूसरा होता है प्लाज्मा। सबसे पहले अगर हम प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा टोटल ब्लड का, अगर हम 100 ml ब्लड को लें तो 100 ml ब्लड में से 55 ml क्या होगी? प्लाज्मा होगी, या ऐसे कह सकते हैं कि 55% क्या होती है उसमें? प्लाज्मा होती है। तो ठीक है, तो प्लाज्मा की क्वांटिटी कितनी हो गई? 55%। उनके बाद में ब्लड का जो फ्लूइड जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं, फ्लूइड
फ्लूड पार्ट, तो मेरी सबसे पहली क्या रहेगा, फ्लूड पार्ट ऑफ ब्लड नॉन एज प्लाज्मा। उनके बाद में जो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो कलर कैसा होता है, येलो इस कलर होता है, लाइट येलो कलर का कलर होता है प्लाज्मा। उनके बाद इसकी जो नेचर होती है वो होता है एल्कलाइन। इसकी नेचर क्या होती है, एल्कलाइन क्यों होती है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे इसमें बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, इनऑर्गेनिक आयंस, जिसके वजह से इसका पीएच है वो 7.4 होता है। तो एल्कलाइन इसका क्या होता है, नेचर होता है। उनके बाद में ये 55% होता है टोटल ब्लड का। उनके बाद में प्लाज्मा के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में भी मुख्यतः तीन प्रकार के आपको कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। पहला तो उसमें होता है वाटर होता है, दूसरा होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, और तीसरा होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, तो वाटर की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा का 90% क्या होता है, उसमें वाटर होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक मटेरियल में बहुत सारी क्या होती है, प्रोटीन्स आती हैं, जैसे थ्रोम्बिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, एल्बुमिन प्रोटीन है, ये प्रोटीन प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक मटेरियल में जैसे सोडियम आयन है, पोटेशियम है, क्लोराइड आयन है, मैग्नीशियम आयन है, ये सारी किस्म प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। उसी प्रकार जब हम ब्लड के दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो ब्लड का दूसरा पार्ट कहलाता है कॉर्पस्कल्स कहलाता है। जब हम कॉर्पस्कल्स की अगर हम बात करें तो टोटल ब्लड में 45% क्या होती है, कॉर्पस्कल्स होती है। कॉर्पस्कल्स हो सकते हैं सेल्स, हो सकते हैं डिस्कॉन। ठीक है, तो कॉर्पस्कल्स की मुख्यतः आपको तीन प्रकार के कॉर्पस्कल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। पहली होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनके साथ साथ में एक हीमेटोक्रिट आती है, हीमेटोक्रिट। तो हीमेटोक्रिट क्या होती है, टोटल कॉर्पस्कल्स क्या कराएगी, हीमेटोक्रिट कहलाती है। ठीक है ना, तो ब्लड में परसेंटेज ऑफ कॉर्पस्कल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, हीमेटोक्रिट वैल्यू बोलते हैं हम। ठीक है, तो कॉर्पस्कल्स की जब हम बात करते हैं तो पहले तो कॉर्पस्कल्स कौन सी होती है, आरबीसी होती है, दूसरी कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, तीसरी कौन सी होती है, प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स आरबीसी फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स। ठीक है ना, तो ये तो हो गया ब्लड के बारे में। तो आज हम जो इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज आपको क्या क्या बताया वो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपैरिजन किया है। देखो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में भी आपको दो प्रकार के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर। तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर एक तो होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा होगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होती है उसमें सेल्स की संख्या सिंगल है, और वो सिंगल सेल्स डायरेक्ट अटैच है किसी एनवायरमेंट से, इस वजह से उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा। ठीक है ना, और जर्म लेयर के बेसिस पर वो डायप्लोब्लास्टिक भी होता है, बायलेयर्ड होता है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसमें अगर सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है तो उस कंडीशन में उसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वो डायरेक्टली बॉडी सर्फेस के द्वारा उसमें ट्रांसपोर्ट होता है यूनिसेलुलर में। जब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल से एक टिश्यू तक या एक टिश्यू से एक सेल तक जो लिक्विड मटेरियल है या रिक्वायर्ड जो मटेरियल है, जैसे कि एक सेल्स के लिए O2 क्या होती है, रिक्वायर्ड मटेरियल होती है, एक सेल्स के लिए ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट मटेरियल क्या होता है, रिक्वायर्ड मटेरियल होता है, तो वो वहाँ तक कैसे पहुँच रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है उसका ट्रांसपोर्ट, तो उस ट्रांसपोर्ट करने वाले जो सिस्टम है उस सिस्टम को ही हम क्या बोल रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोल रहे हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में परचेज हुआ सिस्टम जो न्यूट्रिएंट मटेरियल एंड O2 एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य कर रहा है, उस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई है, सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है। यदि हम एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो एनिमल किंगडम में आपको दो प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। पहला तो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो फ्लूड होता है, फ्लूड यहाँ पे जो वर्ड है वो ब्लड के लिए यूज में लिया गया है, तो यहाँ पे जो ब्लड होता है वो ब्लड ओपन में तो क्या होगा, तो ऐसे समझ सकते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एटलीज एंड वेन एब्सेंट होती है। जब एटलीज एंड वेन एब्सेंट होती है उस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड बॉडी में या एनिमल्स बॉडी में ऐसे ही बिखरा हुआ रहेगा, ऐसे रहेगा ना। तो यहाँ पे जो ब्लड वो सर्कुलेट नहीं होता है इसमें डक्ट में, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में,
ठीक है ना। तो इस प्रकार का सिस्टम आपको फाइलम ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने लिखा है ना इंसेक्ट, इंसेक्ट का इसका एग्जाम्पल, इंसेक्ट को कौन सी फाइलम में रखा गया, फाइलम ऑर्थोपोडा में। उसी प्रकार जब हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें आर्टरीज एंड वेन प्रेजेंट होती है, और उसी में क्या है जो फ्लूड या जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है। और इसका एग्जाम्पल वुमन या फिर जो हायर कैटेगरी के जो एनिमल्स आते हैं या मेम्बर्स जो क्लास आती है उसमें इस प्रकार का सर्कुलेट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के दो टाइप्स हो गए। उनके बाद भी हम बात करें उसके ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का या मेन ऑर्गन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो ब्लड के बारे में आपको कुछ बातें आपको याद रखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्लड कैसा होता है, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड का पीएच 7.4 होता है, ब्लड का कलर रेड होता है, ब्लड की जो अमाउंट एक एडल्ट वुमन में उसकी जो अमाउंट या फिर क्वांटिटी होती है वो 5 to 6 लीटर होती है। इसके साथ साथ में ब्लड का कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ब्लड में मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, एक तो उसकी प्लाज्मा होती है, दूसरी क्या होती है कॉर्पस होती है। और प्लाज्मा की जब हम बात करते हैं तो प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी है। प्लाज्मा की जैसे मैंने उसका कलर बताया येलो, लाइट येलो कलर होता है, ये टोटल ब्लड का 55% होता है। उनके बाद में ये फ्लूड पार्ट होता है, ब्लड का फ्लूड पार्ट होता है, ठीक है ना, सॉलिड पार्ट कॉर्पस होती है। उनके बाद में इसकी जो नेचर होती है वो एल्कलाइन होती है। और उनके बाद में प्लाज्मा के कंपोजिशन की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी दो प्रकार की कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। एक तो इसमें वाटर प्रेजेंट होता है 90% इसमें प्लाज्मा में क्या होता है वाटर होता है। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल में तो क्या होती है प्रोटीन्स आती है। प्रोटीन के मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था एल्बुमिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है ना। तो इस प्रकार की प्रोटीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अलग अलग क्वांटिटी में या अलग अलग परसेंटेज में। उनके बाद में इनऑर्गेनिक में सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, तो ये सारे इसमें प्रेजेंट है। तो ये इन सारे का जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल का जो कार्य मोस्टली एक तो ब्लड क्लॉटिंग का होता है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने का होता है, ये उनके मेन फंक्शंस होते हैं, और साथ में ब्लड वॉल्यूम को ये बनाए रखते हैं। उसी प्रकार जब हम कॉर्पस्कल्स की अगर हम बात करें तो ब्लड में मुख्यतः मेनली 3 टाइप की कॉर्पस्कल्स आपको देखने को मिलेगी या प्रेजेंट होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। और आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की जो परसेंटेज होती है ब्लड में कितनी कितनी परसेंट में वो प्रेजेंट होती है उसकी वैल्यू क्या कहलाती है, हीमोग्लोबिन वैल्यू कहलाती है, ठीक है ना। और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।